अरे कोई विशेष कारण नहीं है, है जब तो बहुत बड़ा कारण है। मेरी न तो कोई मुख्यमंत्री जी से नाराजगी है, न संगठन से नाराजगी है। आपको पता है जिस क्षेत्र में मैंने 40 साल तक काम किया, और एक बार तो स्थिति ऐसी बनी मीणा गुजर आरक्षण के दौरान, जब मेरे को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, उन लोगों ने अब की बार तनिक भी नहीं सुनी और इस बहकावे में आ गए कि मोदी जी आरक्षण को खत्म कर देंगे। मोदी जी ने 2019 में आरक्षण 2029 तक बढ़ाया है, और मोदी जी ने यहां तक कह दिया था साक्षात डॉक्टर अम्बेडकर भी जन्म ले ले तो भी मोदी आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने वाला नहीं है। लेकिन इस बहकावे में माके जिनकी मैं सतत सेवा करता रहा, हर दुख दर्द में संभालता रहा, चाहे वह आमागढ़ की टेढ़ी पहाड़ियों पर बरसते में चढ़ा जाए, सांप हो, घोड़ा हो, पैंथर हो, चाहे वीरांगनाओं के मामले को लेकर पुलिस कपड़े फाड़ दे, बेइज्जत कर दे, हर जाति हर वर्ग विशेषकर एसटी के लोगों की मदद की थी, लेकिन वो विमुख हो गए और मैं मेरे क्षेत्र में पार्टी को नहीं जिता सका, तो मेरी विफलता है। और ये इसलिए मैंने घोषणा की थी चुनाव के दौरान कि अगर ये सीटें हार गए, विशेषकर टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली और दौसा, तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। तो घोषणा थी तो पूरी की, मैंने छोड़ दिया। डॉक्टर साहब, इस्तीफा आपने किसको दिया, कब दिया? मैंने मुख्यमंत्री जी को 5 जून को भेज दिया था। फिर मैं मुख्यमंत्री जी से मिला एक दिन, उन्होंने मना कर दिया कि हम किसी भी स्थिति में इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। तो बाद में मैंने उसको पोस्ट से भेज दिया। विधानसभा तो मैं आऊंगा, विधायक के नाते तो आऊंगा ही, पर जो सरकारी साधन है, बंगला है, वो सब सुविधाएं मैंने छोड़ दी। 1.5 महीने से मैं मेरे वाहन से और मेरे निवास पे ही रह रहा हूं। जब मैंने नैतिक दृष्टि से वो इस्तीफा दे दिया तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं सत्ता के सुख जो होते हैं उनका उपभोग नहीं करूं। आपको चूंकि मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा आपका इस्तीफा, क्या पार्टी आलाकमान की तरफ से भी कोई संदेश है? अब संदेश तो आया है, पार्टी आलाकमान बात करेंगे तो उनसे चर्चा करेंगे, पर मैं पार्टी आलाकमान को भी ये आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा कि मैं पूरी तरह से पार्टी का संगठन में काम करने के लिए तैयार हूं, सत्ता में रहते हुए सरकार को सहयोग देने में तैयार हूं, हर तरह का काम करूंगा। मेरे को दौसा की जिम्मेदारी दी है तो वहां भरपूर काम करूंगा पार्टी को उपचुनाव जिताने के लिए।